हे YTBians की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ही हैवी डिमांड पर मैं आपके लिए आज YT भारत पर लेकर के आ गया हूं मनाली का बहुत ही स्पेशल वॉल्वो पैकेज, जिसको आप लेकर के जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और बहुत ज्यादा आप इंजॉय करेंगे कुल्लू मनाली के अंदर। टोटल पैकेज की ड्यूरेशन है 5 नाइट 6 डेज, जिसमें ओनली 3 नाइट आपकी मनाली में होने वाली है और 2 नाइट आपकी बीतेंगी वॉल्वो के अंदर। इसलिए ये टोटल पैकेज बन जाता है 5 नाइट 6 डेज का। आइए एक एक करके आपको आगे पैकेज के बारे में पूरी जानकारी देना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मनाली के बारे में कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे मैंने अपने चैनल पर पुराने वीडियो में प्रेडिक्शन किया था कि मनाली में स्नोफॉल होने वाली है 23 से लेकर के 27 फरवरी 2021 के बीच में, और वही हो रहा है। 27 फरवरी 2021 को मनाली में स्नोफॉल हुई और 26 तारीख को मनाली के अपर साइड में, यानी कि हमटा पास और अटल टनल के आसपास काफी अच्छी स्नोफॉल हुई थी। तो आप पूरी तरह से YT भारत पर ट्रस्ट करके जो अपना टूर बनाते हैं कि स्नोफॉल आपको कम मिलने वाली है, वो लगभग 99% आपका सही साबित हो रहा है। इसीलिए YT भारत पर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं क्लिप्स, वो हमारे खुद YT भारत के व्यूवर्स हैं, जो ट्रैवल पार्टनर्स के थ्रू, जिनका नंबर मैंने वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिनके थ्रू आप भी पैकेज बुक करवा के जा सकते हैं, ये विजिट कर रहे हैं। और ये क्लिप इसी हफ्ते की है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप भी कुल्लू मनाली के अंदर इंजॉय करना चाहते हैं, अपने हनीमून को वहां पर कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत ही सुंदर मेमोरीज के साथ, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मनाली और कुल्लू सबसे फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन में से एक है। आप पूरी इंडिया में से कहीं भी आते हो तो आपको यहां पर वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक हनीमूनर या एक ट्रैवलर या एक फैमिली पर्सन को रिक्वायर्ड होती हैं। दोस्तों, मनाली में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके सामने यहां पर अभी चल रही है रिवर राफ्टिंग। इसके अलावा पहले आपने देखी पैराग्लाइडिंग। आप सोलांग वैली के अंदर या और भी कुछ ऐसी जगह हैं कुल्लू के अंदर जहां पर जाकर के बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें आप पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्नो स्कूटर, ATV राइड, स्कीइंग, जिप लाइनिंग, जॉर्बिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, टायर राइड, याक राइड, बहुत बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिनको आप कंप्लीट करके आ सकते हैं। बहुत इंजॉय करने का वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आइए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। और आपको आज मनाली का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो बताना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली फॉर समर 2021। और दोस्तों, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताना चाहूंगा, इस जो पैकेज की वैलिडिटी है इसको भी मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और उसके बाद इसका पूरा एक टोटल सीजन होगा जो सीजन तक जाएगा। उसके बीच में जो मैं आपको रेट्स बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो वैलिड होंगे। 15 अप्रैल से जो रेट्स थे वो लगभग 6,000 रुपए के लगभग कम थे, और जैसे ही सीजन आ जाता है 15 अप्रैल के बाद, तो ये रेट सीजन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही पैकेज पहले हम 12,000 और 13,500 में दे रहे थे, अब इसके रेट्स आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। किसी भी ट्रैवल कंपनी से आप पता करेंगे, ये रेट्स आपको बड़े ही मिलेंगे क्योंकि ये सीजन के रेट हैं। तो ये मैंने आपको एक कंफ्यूजन क्लियर कर दी है। अब आगे वीडियो में चलते हैं और आपको पूरे पैकेज की डिटेल देना स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मनाली बाय वॉल्वो समर स्पेशल 3 नाइट मनाली का पैकेज, जिसके अंदर आपको 3-स्टार डिलक्स होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। होटल के नाम कन्याल हाइट्स डिलक्स रूम के साथ या होटल आउटटाउन मनाली डिलक्स रूम के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। होटल की डिटेल आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी आपको होटल दिया जा सकता है जो सुपर डिलक्स होटल है मनाली शारदा क्लासिक या हिमालयन स्नो हाइट, ये डिलक्स रूम के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, इस पैकेज की वैलिडिटी होने वाली है 20 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में इस पैकेज की वैलिडिटी होती है। अब आपको डे वाइज आइटनरी मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले डे 1 पर आप मनाली के लिए दिल्ली से प्रोसीड करते हैं,
लगभग ये यात्रा आपकी 517 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसको करने में 11 से 12 घंटे लगते हैं, और अगर आप यही सर्दियों में जाते हैं तो ये 16 से 22 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होती है, या बारिश के दिनों में फॉग होती है तो थोड़ा सा 12 घंटे से ज़्यादा भी आपकी बस टाइम ले सकती है। ये मैंने आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। डे टू पर मनाली के लिए आप लोकल साइट सीइंग करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डे जब आप दिल्ली से चलते हैं डे वन पर, सेकेंड डे आप पहुँचते हैं मनाली मॉर्निंग में। मॉर्निंग में पहुँचने के बाद आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर पिकअप कर लेते हैं मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से, और पिकअप करके ड्रॉप करते हैं होटल में। होटल में आप चेक इन करते हैं, चेक इन करने के बाद आप फ्रेशन अप हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी मनाली की लोकल साइट सीइंग स्टार्ट होती है, जो माल रोड के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में करवाई जाती है। इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये जो पूरा जो हाफ डे की लोकल साइट सीइंग होता है ये आपको करवाया जाता है लगभग हाफ डे, यानी कि 3 से 4 घंटे का ये आपका टोटल टूर होता है, जिसमें आप घूमते हैं हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, हांगकांग मार्केट, तिब्बतन मोनेस्ट्री, वन विहार, क्लब हाउस, ऐसी जगहों पर आप जाकर के घूमते हैं, और उसके बाद आपको यही टैक्सी ड्रॉप कर देगी वापस आपके होटल पर, और होटल पे पहुंच करके आप वहां पर डिनर करिए और ओवरनाइट स्टे करिए मनाली के अंदर। नेक्स्ट डे डे थ्री पर आप जाते हैं मनाली से सोलांग वैली। दोस्तों सोलांग वैली बिल्कुल जन्नत है, और स्नोफॉल के दिनों में तो आपको सोलांग वैली में बहुत ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा, और इतनी सारी वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई, वो सारी सोलांग वैली में आपको करने को मिल सकती हैं बहुत ज़्यादा उसमें से, और वो भी आपके अकॉर्डिंग कम रेट पर। दोस्तों इसका मैं डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। एन्जॉय अ हट्री ब्रेकफास्ट एट द होटल एंड लेटर गेट रेडी फॉर एक्सकर्शन टू सोलांग वैली विच इज पिक्चरस्क्यू सेटिंग। इंडल्ज इन सम एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक स्नो स्कूटर स्कीइंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग एट सोलांग। और उसके बाद ये टूर आपका लगभग 6 से 7 घंटे का होता है। सोलांग वैली माल रोड से 15 किलोमीटर है, लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है पहुंचने में अगर स्नोफॉल नहीं होती है तो। इन द इवनिंग आप वापस आ जाते हैं टूर कंप्लीट करके सोलांग वैली का, और ओवरनाइट आपका स्टे होता है इस दिन। अब चलते हैं आपको यहां पर, आपको मैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, क्योंकि ये मनाली का समर पैकेज है। ऐसे में आप लोग की बहुत बहुत आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या रोहतांग पास भी हम जा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप रोहतांग पास जा सकते हैं, लेकिन आपको रोहतांग पास जाने के लिए खुद की डायरेक्ट पेमेंट पर आप इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं, क्योंकि रोहतांग पास जाने के लिए अब चीज़ें बदल गई हैं। पहले तो कोई भी रोहतांग पास आराम से चला जाता था, अब परमिट निकालना पड़ता है। तो अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर जाना होगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी से आप संपर्क करिए और अपनी आइटनरी को मेंटेन करवा लीजिए जैसा आप चाहते हैं वैसा। डे फोर पर मनाली से कुल्लू और मणिकरण आपको जाने को मिलेगा। इसके लिए आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाइए आप टाइम से लगभग 9 बजे के आसपास। कुल्लू आप जाइए होते हुए मणिकरण, रास्ते में बहुत ही ज़बरदस्त आपको व्यू देखने को मिलेंगे। कसोल का पूरा आउटर पड़ेगा आपका, और जो आपकी पार्वती रिवर है उसका भी बहुत सुंदर नज़ारा आप इंजॉय कर सकते हैं। राफ्टिंग को भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी कॉस्ट पे, जो व्यास रिवर के अंदर करवाई जाती है, और गर्मियों के दिनों में जाओगे तो अच्छा खासा पानी हो जाएगा, लगभग मई और जून में तो बहुत अच्छी राफ्टिंग करवाई जाती है। हालांकि ऋषिकेश की तरह नहीं होती है कि आप खुद राफ्ट पकड़ करके वहां पर चलाएं, मनाली में राफ्टिंग में फर्क ये होता है कि आपको गाइड आपकी राफ्ट को चलाते हैं, बोट को चलाते हैं, और आप सिर्फ बैठते हैं वहां पर रस्सी पकड़ करके, क्योंकि जो कहते हैं पत्थर बहुत ज्यादा हैं व्यास नदी के अंदर, तो वहां पर बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए गाइड जो होते हैं, ट्रेंड गाइड, वेल ट्रेंड गाइड, वही इस बोटिंग को चलाते हैं राफ्ट के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इस दिन आप अंगोरा फॉर्म देखेंगे, वैष्णो देवी टेम्पल देखेंगे, पार्वती रिवर देखेंगे आप, और वापस मणिकरण गुरुद्वारा होते हुए लंगर प्रसाद खाते हुए आप वापस लौट जाएंगे अपना मनाली, अपने होटल के अंदर चेक इन करेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे, और नेक्स्ट डे जो आपका डे 5 होने वाला है
उसमें आपका मैं आपको प्लान बताता हूँ आपको कैसे मैनेज करना होगा डे फाइव पर आपको, क्योंकि मनाली से वापस दिल्ली की वॉल्वो पकड़नी होती है और वॉल्वो लगभग 4 बजे के बाद से स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आपके लिए बेटर होगा कि 10 बजे के आसपास होटल में आप अपने सामान को पैक करके वहाँ के वेटिंग रूम में जो है आप अपने सामान को डिपॉजिट कर दीजिए और निकल जाइए वहाँ से कोई गाड़ी करके माल रोड के ऊपर। माल रोड पे जाकर के आप अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपका डियर है नियर डियर उसके लिए आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं यादगार के तौर पर, और वापस अपना पूरा टाइम स्पेंड करके लगभग वहाँ पे चल दीजिए आप 2:30 या 3 बजे के आसपास, और लगभग 4:45 तक होटल पर पहुँच जाइए। उसके बाद रिसेप्शन पर बोल दीजिए आपकी गाड़ी पिकअप करेगी जो कॉम्प्लीमेंट्री है और आपको वॉल्वो बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी, और वहाँ से आप अपनी वॉल्वो का नंबर देख करके पिकअप कर लीजिए। पिकअप करके वापस बहुत ही सुंदर मेमोरीज के साथ दिल्ली लौट जाइए, और दिल्ली के बाद जो भी आपका डेस्टिनेशन है, दिल्ली में रहते हो एनसीआर में रहते हो तो वहां चले जाओ, नहीं तो जहां के भी आपको ट्रेन या आपको एयर पकड़ना है वहां के लिए आप प्रोसीड करें। पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होगा वो मैं बताता हूँ। 3 नाइट का स्टे इन होटल, 3 ब्रेकफास्ट 3 डिनर। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें लंच क्यों नहीं है, तो लंच के बारे में बताता हूँ कि लंच इसलिए नहीं है क्योंकि लंच टाइम पर आप ऑलवेज बाहर होते हैं तो बाहर के फूड को आप इंजॉय करेंगे, होटल में होते तो वो भी पॉसिबल था लेकिन आप बाहर रहते हैं इसलिए पॉसिबल नहीं है। साइट सींग टूर करवाया जाएगा आपको सोलांग वैली से क्या बाय प्राइवेट व्हीकल साइट सींग, कुल्लू मरीन करंग का प्राइवेट व्हीकल, हाफ डे का लोकल साइट सींग बाय प्राइवेट व्हीकल, ये सब आपको करवाया जाता है। टू मनाली दिल्ली एसी नॉन एसी सेमी स्लीपर वॉल्वो की टिकट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की, तो दोस्तों कॉस्ट की जब बात करते हैं तो ये आपकी पड़ने वाली है पैकेज कॉस्ट 18,000 रुपये फॉर 1 कपल विद ऑल टैक्सेस फॉर डिलक्स होटल, और सुपर डिलक्स होटल की बात करें तो आपको वो 19,000 रुपये का पड़ने वाला है, और अगर आप हनीमून पर हैं तो आपको 1,500 रुपीज़ 18,000 या 19,000 प्लस करके, मतलब 18 चल रहे हैं तो 19,500, 19 चल रहे हैं तो 20,500 आपको हनीमून इंक्लूजन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें केक कैंडल लाइट डिनर और फ्लावर डेकोरेशन इंक्लूडेड है। और उसके बाद आप पेमेंट पॉलिसी की बात कर लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने चल रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और इस पैकेज को बुक करवाना अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा लग रहा है तो आप पूरा वेरीफाई करके जांच पड़ताल करके आप इस पैकेज को बुक करवा सकते हैं। वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नाम दे दिया है, नंबर दे दिया है, मैं भी कई सालों से इनके थ्रू ट्रैवल करता हुआ आ रहा हूँ। एक बार फिर से मैं इसी महीने मार्च में जा रहा हूँ शिमला इनके थ्रू। आप भी अगर अपनी जर्नी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, आप एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं तो इस ट्रैवल कंपनी से संपर्क करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के वाईटी भारत के बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग अलग किसी डेस्टिनेशन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।